देवास में एमजी रोड पर खेड़ापति मंदिर जबरेश्वर श्री राम मंदिर में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी एवं भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुकाया एवं खुशियां मनाई। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में गोवा में भर जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए हम श्री राम भगवान के मंदिर में आए हैं, क्योंकि लोगों का कहना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने आज वह दिन दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे में उन्होंने योगी जी को पूरा आशीर्वाद दिया है। योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सभी आशीर्वाददाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ाया हुआ एक पहला कदम है। निश्चित रूप से हम राष्ट्र निर्माण को करने में, भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने में सफल होंगे। हमारी सरकार गोवा में भी बनने की स्थिति में है, मणिपुर में भी बनने की स्थिति में है, उत्तराखंड में भी हम सरकार में आ रहे हैं। इन सभी जगहों के आशीर्वाददाताओं को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का परचम आने वाले समय में पूरे भारत में लहराने वाला है। हम एक राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए संकल्पित हैं। हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं, देश के लिए करने वाले लोग हैं, और देश के नाम पर ही जनता से वोट मांगने जाते हैं। जनता ने हमें पसंद किया, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। मैं योगी जी को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस चुनाव में जो जाति वाला वोट बैंक था वो खत्म हो गया है, अब ऐसा मान सकते हैं अपन? भारत की राजनीतिक व्यवस्था से धीरे धीरे जातिवाद खत्म होता चला जाएगा। जातिवाद केवल हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया गया एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, लोग अब एकजुट होने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस राष्ट्र का निर्माण करना है, इस राष्ट्र की प्रगति करना है, इस राष्ट्र का उत्थान करना है, तो हमें एक होना पड़ेगा। एक होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो देश के लिए काम करती है और देश के लिए जीती है। पहले के मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे, वो अंधविश्वास भी योगी जी ने तोड़ दिया। अभी योगी जी आने वाले समय में ऐसे अनेक अंधविश्वासों को तोड़ेंगे। वो राम भक्त हैं, वो भारत माता के भक्त हैं, वो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आए हैं। वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ने वाले नेता नहीं हैं। अभी तक जो अंधविश्वास उन्होंने तोड़ा है उससे परे जाकर और भी अंधविश्वासों को तोड़ना बाकी है। वो अनेक अंधविश्वास को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करेंगे। काशी मथुरा बाकी है, काशी हो गया, मथुरा? भारत की जनता जो जो चाहेगी वो होगा। ठीक, भारत की जनता चाहती थी कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बना। अगर भारत की जनता चाहेगी। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।